अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ ना, ये जो रिसेंटली एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा इशू हुआ है जो लाहौर मोटरवे पर हुआ है, उसके अगेंस्ट फिर ये लाहौर के अंदर ही कि ये पिक्चर्स हैं लिबर्टी के ऊपर ठहर कर और ख्वातीन ने बनाया है इस तरह से कि उन्होंने एहतजाज वगैरह किए हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, हम आज़ाद नहीं हैं, कि रेप हर जगह सिर्फ औरतों का ही हो रहा है, मर्दों का क्यों नहीं होता, ये क्यों मर्द हमें इस तरह से क्यों मतलब हिरास करते हैं, ये वो सारा कुछ। तो मैं ना इस सब के लिए एक छोटी सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाना चाहूँगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम में औरत के लिए अकेले सफ़र करने पर सख्ती से पाबंदी लगाई हुई है कि औरत अकेले सफ़र ना करे, वो भाई बहन शोहर को किसी न किसी को साथ लेकर चले। तो देखिए, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसी वजह से हुआ कि औरत अकेली थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वो तो बच्चे थे, ठीक है। कहीं भी हुआ है वाकया तो उसकी रीज़न हमेशा यही बनी है कि औरत अकेली मौजूद हुई है, ठीक है। एक रीज़न ये, दूसरी रीज़न ये कि औरतों का आजकल का जो लिबास है वो आप सबके सामने है। मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात नहीं करूँगा, मैं अपने पाकिस्तान की ही बात करूँ तो आप देख लें यहाँ पर ख़वातीन के लिबास किस तरह से होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा उनकी ये जो आज़ाद ख्याल सोच होती है ना, तो समटाइम्स ये भी अपना इनकी रीज़न बन जाती है कि जो इस तरह के वाकयात और रेप्स वगैरह होते हैं, ठीक है। कहीं पर औरत ख़ुद इनवाइट करती है, कहीं पर दोस्ती में ये सब हो जाता है, फिर क्लैशेस आते हैं तो फिर वीडियोस वायरल हो जाती हैं। लड़के लड़की में दोस्ती होती है, वो आपस में इस तरह का ताल्लुक़ कायम कर लेते हैं, सेक्सुअल ताल्लुक, और उसके बाद कहीं पर भी ज़रा सा मामला आउट हो, बात कोई उनकी बिगड़े तो, या लड़की आउट कर देती है उस लड़के की बातों को, चैट को, वीडियोज़ को, या फिर लड़का आउट कर देता है। तो हर बार हमेशा यही देखा गया। तो देखो यार, जब इस्लाम ने हुजूर ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि औरत कभी भी अकेले सफ़र ना करे, अगर अकेले वो सफ़र करती है तो उसकी ज़िम्मेदार वो खुद है, क्योंकि देखो शैतान हर वक्त मर्द के भी साथ फिरता है, औरत के भी साथ फिरता है। तो आजकल की आज़ाद ख्याल सोच तो वैसे ही फिर हर किसी के साथ शैतान दो दो तीन तीन कई कई शैतानों को लिए फिरते, कई तरह से अट्रैक्शन क्रिएट कर रही होती। तो अगर हुजूर की तालीम को इस्लाम की तालीम पर अमल कर लिया जाए, सही तरह से प्रॉपर बंद लिबास पहन लिया जाए, जो इस्लाम ने हिजाब कहा है, पर्दा कहा है, अगर वो पहन तो गंदी मक्खी बैठे ना, गंदी मक्खी हमेशा खुले बर्तन पर बैठती है, जो ओपन हो, जो सालन खुला पड़ा हो, तो मक्खी उसी पर, जो ढंपा हुआ सालन हो, जो खाना ढंपा हो उस पर तो मक्खी बैठ ही नहीं सकती ना, कैसे बैठेगी। इनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। और ये देखिए क्या लिखवा कर लाई हैं कि यस यू आर इंक्लूडिंग माई बाप, बाप से भी इनको आज़ादी चाहिए जी, इनको बाप ने कैद किया हुआ है, भाई से भी आज़ादी चाहिए, एंड शोहर से भी जी, शोहर से इनको आज़ादी दे दो, और इनको और कईयों से इनको ताल्लुकात कायम करने हैं, उधर पता नहीं इनको किस तरह की आज़ादी चाहिए, समझ नहीं आती। इस्लाम की तालीम के तो बोल ही गए हैं सब, पता ही नहीं हमें इस्लामी तालीम का कि यार इस्लाम हमें कहता क्या है। अफसोस है काफ़ी, यानी इस तरह की स्टेटमेंट एक मुस्लिम कंट्री में, मुस्लिम छोटी छोटी लड़कियां ये काम क्या है कि मुझे बाप से आज़ादी दो, मेरा जिस्म किसकी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये नारे लगाए जा रहे। तो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी फिर लेकर फिरो आज़ाद हो, फिर देखो तुम्हारे अशर क्या होते हैं, मर्द इनको रखेंगे ही नहीं। प्रॉपर लिबास पहनो, बंद लिबास पहनो, आप बहुत अच्छी लगेंगी, औरत की खूबसूरती बंद लिबास के अंदर होती है। बंद लिबास पहनो अपने आप को और माशरे में फिरो टुरो, कोई मसला नहीं होता। आप पर्दे में रहें तो कहीं पर भी रहें आपको मसला नहीं होगा जी। मैं ये नेक्स्ट मूव करता हूँ, आप ये देखें ज़रा इस्लाम में, ये देखें अब ये क्या ड्राम, पता नहीं क्या मतलब दुनिया के सामने मजाक बनाया जा रहा है वतन अजीज़ पाकिस्तान का, इस्लाम का, वही यूरोपियन सिस्टम अंदर लाया जा रहा है इस्लाम में कि हमें बाप से भी आज़ादी दो। यार इस्लाम कितना आज़ादी देता है औरत को, हद से भी ज़्यादा, लेकिन पर्दे के अंदर रहकर औरत को काम करना चाहिए, जितनी आज़ादी ले पर्दे के अंदर रहकर ले। मैं ये पिछले वाले मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको बाद में करता हूँ, इसको आप देखें जी। देख लिया
ये देखिए यंग सी लड़की है जो ये खड़ी है। अब यहाँ पर देखिए एक औरत इस तरह से लिखवा के लाई हुई है कि संभलता नहीं है तो काट दो। क्या नहीं संभलता, सेक्सुअल ऑर्गन की बात कर रहे हैं, काट दो। मतलब अपनी बात नहीं करेंगी कि हम लिबास अच्छा पहने, कोई हम भी थोड़ी सी केयर कर लें। इस्लाम ने हमें कहा क्या, लिबरलिज्म को इस कदर आगे ले लिया गया या फिर आज़ादी को उन्होंने इस कदर गलत मीनिंग दे दिया कि पता नहीं किस तरफ लेके जा रही हैं ये अपनी आज़ादी को। वही मारवी सरवद वाली बातें, इस्लाम ने आज़ादी दी है, अरे तुम्हें किस तरह से आज़ादी दी ये सोचो तो सही। इस्लाम ने पर्दे का भी कहा, आप पर्दा नहीं पहनती, लिबास इतना टाइट लिबास, वो भी पतला पतला जिसके अंदर से इनका जिस्म नज़र आ रहा होता है, इतने टाइट इन्होंने शलवार कमीज पहने होते हद से ज़्यादा। तो कुछ खुद पे भी तो कंट्रोल करो, आप इस्लाम ने कैसा लिबास। ये देखिए इसी पिक में देखिए यहाँ पर लड़की की जो पैंट है वो जो उसने ट्राउज़र पहना हुआ है, देखें कितना शॉर्ट पहना हुआ है, कहाँ तक उसने टांगे दिखाई नहीं। वहाँ पर कई मर्ज में हालांकि औरत के लिए सख्ती से मना है, घुटनों से ऊपर उसका जो ट्राउज़र है शलवार है नहीं जानी चाहिए। फिर ये खुद को क्यों नहीं देखती कि हम पे भी कुछ पाबंदियाँ इस्लाम ने लगाई हैं जिनकी वजह से हम महफूज रहेंगे। हुजूर के दौर में क्यों नहीं हुआ करते थे ये सब काम, जब दीन हुआ करता था सही तरह से, दीन लागू था सहाबा के दौर में, ये क्यों नहीं होते थे रेप्स वगैरह। यही वजह थी, औरतों ने खुद को दीन में ढाल रखा था। तो मैं आप सबको यही कहूँगा कि अपना ज़रूर आज़ादी को इम्प्लीमेंट करें खुद पर। आप मुआशरे में आकर आपने रहना है, तालीम हासिल करनी है, जॉब्स करनी है, लेकिन पर्दे को लेकर आएँ, फिर देखिएगा कि आप कितना महफूज खुद को फ़ील करेंगी। ये मेरा मैसेज स्पेसिफिकली औरतों के लिए, ठीक है। आप पर्दे को अडाप्ट तो करें, पर्दे को, इस्लामी तालीम को, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, जैसे इस्लाम कहता है बाहर निकलें ज़रूर, तो उसके मुताबिक आप करें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरा मैसेज आप सबको समझ आ गया होगा। दुआ में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें बहुत सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।